नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष भारत रत्न लता मंगेशकर जी के 94th बर्थडे पर द 10 स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ लता जी विच गिव्स अस द 10 रियाज मटेरियल कंपोज बाय 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं लता जी ने हज़ारों गीत गाए हैं, अलग अलग गीतों से अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, लेकिन ये 10 गाने बड़े ही स्पेशल हैं। अपने अनुभव से मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये स्पेशल गाने हैं और क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है इस गाने से। सारे गाने क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, राग पर आधारित हैं, अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया लता जी ने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए गाया है, लेकिन ये गाने स्पेशल क्यों हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर गाने में एक सीख मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एज ऑन 28th of September 2023। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लूँगा दोस्तों। 10th नंबर पे जो मैं सॉन्ग रखना चाहूँगा, जिसको रियाज करके सिखाकर मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ और बहुत अच्छा फीडबैक मिला, एक कली मुस्काई, मदन मोहन जी की हमारी रचना है, ना तुम बेवफा। अब देखिए इस गाने में स्पेशलिटी क्या है, राग किरवानी पर आधारित है। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा। तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं। अब जो स्पेशल चीज़ जिसका हमें अभ्यास कराती है मदन जी की रचना लता जी द्वारा, वो न तुम बेवफा हो न तुम बेवफा हो सारे रे नी धपा आहो। ये जो आप देख रहे हैं गले का लचीलापन, ये कितना सुंदर लिया है लता जी ने और कितना एफर्टलेस लिया है। सो न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा है। तो ये 10वें नंबर पे मैं रखूँगा इस गीत को मिश्र किरवानी, क्योंकि इसमें मुर्कियों का बड़ा अभ्यास होता है, शब्द के साथ कैसे मुर्की को लेना है हमको, वो चीज़ हमें इस रचना द्वारा सीखने को मिलती है। 9th नंबर पर जो मैं सॉन्ग लूँगा, मदन जी की बात की तो जिनको मदन जी बहुत मानते थे, SD बर्मन साहब, जी हाँ उनके असिस्टेंट बन के उन्होंने काम किया था मदन जी ने, लेकिन लता मंगेशकर जी ने SD बर्मन साहब के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं गाई हैं। उसमें से हम जो गीत लेंगे, कैसे भूल सकते हैं गाइड मूवी 1965 पिया तो से। अब देखिए क्यों मैंने गाना ये लिया स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ लता जी में। एक तो तिन तिन ना धी ना धी ना तिन तिन ना धी ना धी ना आ, तो एक तो रूपक की जो बड़े सुंदर छंद है इसमें, है ना, उसके साथ साथ दीप चंदी का भी प्रयोग है इस गाने में अगर आप सुनेंगे इंटरलूड्स। लेकिन पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। तो देखिए खमाच का जो असर है बड़ा ही फ्रिक्वेंटली प्रयोग किया है SD बर्मन साहब, RD बर्मन साहब दोनों ने ही इस राग का, लेकिन यादगार प्रयोग आपको इस गाने में मिलेगा। ग ग म प म ग सा सा ग ग ग म प म ग म रे ग रे नैना लगे रे, पिया तो से नैना लगे रे। तो मैंने आपको ये बता रखा है रे ही शब्द है, रे ही सुर है। खमाज का जब सेशन ले रहा था, जिन्होंने देखा है वो तो रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा ये वाला लेक्चर। तो अब इसमें देखिए अगर आप इंटरलूड्स देखेंगे तो उसमें कोरस का बहुत अच्छा आलाप है और लता जी का आकार युक्त खूब सारा इसमें अलग अलग खमाज के अंग लिए हैं, जैसे अब कल्याण और खमाज का जो मिश्रण है।
बढ़िया से दीप चंदी चालू हो जाती है। तो रूपक के जो छंद है जिनका हम रियाज ज़्यादा नहीं करते, उसके छंद में कैसे गाने को पिरोना, इसका एक तो अभ्यास होता है। और अगर आप अंतरे देखेंगे, झनक झन झन झनक झन झन पिया तो से, इसका बड़ा सुंदर अभ्यास होता है। तो 9वें नंबर पे मैंने इस गीत को रखा, राग खमाज पर आधारित। अब खमाज की क्योंकि बात हुई है, और क्यों ना हम एक रचना ले सलील दा की। तो सलील दा ने आप देखिए खमाज का प्रयोग करके लता जी की एक यूनिकनेस को कैसे उभारा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। अब पगा पगा पसनी सनी धनी धनी ध सनी दपा धपा गा पा 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 नी 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 सार नी सानी धनी दपा धपम गा पा गा पा सनी सनी। पूरी खमाज दिखाई है सलील दा ने। और दा दिन दिन दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता दिन दिन, ओ तीन ताल भी है कैरवा भी है। और अगर आप अंतरा देखेंगे, स्पेशली दूसरा अंतरा बड़ा पसंद है, उसमें आप देखिए कल्याण के साथ खमाज का मिश्रण, जो कि मैंने आपको बताया था SD बर्मन साहब ने भी किया था इंटरलूड्स में कोरस के साथ। तो ऐसे रिम झिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए। ये खूबसूरती देख रहे हैं। और क्रोमेटिक नोट्स का प्रयोग, ये हमको बहुत चीज़ें सिखाता है। तेरे ही ख्वाब में अब तेरे ही ख्वाब में खो गए। तो ये वाला अंग देखिए, तो ये मैंने आपको 8वें नंबर पे ओ सजना बताया। तो तीन गीत अभी तक हमने देख लिए। यूनिकनेस है हर एक गाने में, बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। तो इसमें कैरवा और तीन ताल के जो छंद है और उसके साथ जो जंप है, ओ सजना, थोड़ा बहुत ठुमरी अंग भी हमको देखने को मिलता है इस गीत में। तो ये 8वें नंबर पे मैं रखूँगा। 7वें गीत की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चल रहे हैं, 10 स्पेशल सॉन्ग्स बाय 10 डिफरेंट कंपोजर्स फॉर लता जी। तो देखिए, तो 7वें नंबर पर हम रखेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंपोजिशन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी फॉर लता जी, सुनो सजना। आप देखिए इसमें बिहाग का भी असर है, खमाज भी है और कल्याण भी है। लेकिन अगर आप अलाप देखेंगे, सुनो सजना पपी है ने, जो एक मींड है बिहाग की, जो मींड की जो आत्मा है, पपी है ने, सुनो सजना पपी है ने, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालो संभल जाओ। अब देखो सापा मापा, अब सापा मापा मागा मागरे सा। ये बिहाग और कल्याण का मिश्रण है, वैसे तो मारू बिहाग जिसको हम कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह कल्याण भी है। सुनो सजना पपी है ने, के आए दिन बहार के। अब खमाज सुनना, सुनो सजना सुनो सजना, सो पा दनी धा पमा ग पा पा गामा पा दनी धा पा खमाज मा पा गामा गा बिहाग पानी द सानी द पा कल्याण। जो तीनों रागों का जो असर है,
वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने लता जी की इस अमर आवाज में प्रयोग किया। तो सातवें नंबर पर सुनो सजना। तो इस गीत में क्या सीखने को मिला, एक तो मल्टीपल राग बेस्ड सॉन्ग है, तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम और उसके साथ साथ जो ठुमरी अंग है उसका हमारा अभ्यास होता है, इसलिए ये स्पेशल सॉन्ग है लता जी का। छठे गीत की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए, लता जी के गीतों की बात हो रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं नौशाद साहब को, बहुत ही क्लासिकल कंपोजिशंस गवाई हैं लता जी से, चाहे वो मोहे भूल गए सावरिया हो, चाहे ये वाला गीत हो। देखिए आप, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया मिश्र पीलू है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब देखिए, सांस लेने की जगह ही नहीं है इस गाने में। तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर ब्रीथिंग एक्सरसाइज अलंकारों में तो छुपी है, गमक में छुपी है, तालबद्ध तरीके से रियाज करने में, लेकिन ऐसे गीतों को अगर आप गाते हैं तालबद्ध तरीके से तो उसका जो एक ब्रीथिंग सिस्टम है, एक दिमाग जो है हमारा ट्रेन होता है कि कैसे ब्रीथ करना है हमें ताल के साथ। जैसे प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो एक ब्रीथ मैनेजमेंट सिस्टम वो इम्प्रूव होता है हमारा ऐसे गानों को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने रियाज में, तो इसलिए इस गाने को मैंने सिक्स्थ नंबर पे रखा। फिर देखिए, अपने ब्रदर हृदयनाथ मंगेशकर जी के लिए भी बड़ी सुंदर रचनाएं गाई हैं लता जी ने। तो एक मध्यमात सारंग में एक बड़ी गजब की रचना है, यारा सिल्ली सिल्ली, उसको मैं फिफ्थ नंबर पे रखूँगा। क्यों, सुनना पहले तो। तो दोनों गंधार का प्रयोग और उसके साथ साथ एक जो जंप है इस गाने में वो आप देखिए, मेजर माइनर का एक तो अभ्यास होता है और दूसरा जंप। यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, यारा सिल्ली सिल्ली, यारा सिल्ली सिल्ली, ओ यारा सिल्ली सिल्ली विडोला सिल्ली सिल्ली। अब देखिए, दोनों गंधार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। वैसे मध्यमात सारंग में गंधार तो वर्जित है, लेकिन रे सा नी सा रे 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 ग रे पा म रे सा 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 रे ग म ग रे रे सा नी सा रे रे प नी रे रे सा सा म म रे नी सा रे रे म प पा म रे सा सा सा। नाउ फ्रॉम हियर द कंपोजिशन गोज टू तार सप्तक। ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है, ये भी कोई मरना, यारा सिल्ली सिल्ली बिरहा की रात का जलना, धागे नती नक दिन, धागे नती नक दिन। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए इन गीतों में, कमेंट जरूर कीजिएगा। कौन से 10 स्पेशल सॉन्ग्स आपकी लिस्ट में है उसको भी कमेंट में छोड़ दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाऊंगा। लेके चलता हूँ चौथे गीत की तरफ। आर डी बर्मन जी का जब भी जिक्र होगा लता जी के साथ तो जिक्र होगा अमर प्रेम का, और उसमें मियाँ की तोड़ी और खमाज, दो कॉन्ट्रास्टिंग राग का प्रयोग करके, 12 स्वरों का यूज करके आर डी बर्मन जी ने ये रहना बीती जाए कंपोजिशन बनाई है। क्या रियाज करवाती है ये रचना, कॉन्ट्रास्टिंग राग का रियाज, कहाँ पर तोड़ी की इंटेंसिटी और कहाँ पर खमाज की चंचलता, दोनों को कैसे मिक्स किया। श्याम ना
तोड़ी चल रही है। सा सा नी ध प ध नी सा रे सा नी सा रे ग ग मा ग रे मा ग रे सा नींदिया ना आए नींदिया ना आए रहना बीती जाए शाम ना आए रहना बीती जाए। तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग राग हैं जो कि मोड अलग है उसका अभ्यास क्योंकि इस रचना में होता है, इस कारण से ये एक स्पेशल सॉन्ग है लता जी का। हमेशा रहती दुनिया तक जब तक संगीत कायम है ये गाना कायम रहेगा। सैल्यूट करते हैं ऐसे कंपोजर्स को भी और हमारी लता जी तो है ही यूनिवर्सल, उनके बारे में हम क्या बोलें। तीसरे गाने की तरफ अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जयदेव जी का जिक्र हम करेंगे जब भी लता जी के साथ कॉम्बिनेशन की बात होगी, तो बात करेंगे हम राग मांड पर आधारित, जहाँ से हम ताल्लुक भी रखते हैं। मांड एक गायन शैली भी है और एक राग भी है। आप देखिए, तू चंदा मैं चांदनी 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 तू चंदा मैं चांदनी तू तरुवर में शाख रे तू बादल मैं बिजुरे तू बादल मैं बिजुरे तू पंछी मैं पाथ रे तू बादल मैं बिजुरे तू पंछी मैं पाथ रे। ये जो आप मुर्गी देख रहे हैं पाथ रे अब पाथ रे ये मांड का असर है। मा ग मा प ध स नी ध प म ग खमाज अंग से मांड में कंपोजिशन ये किए जयदेव जी ने। पाथ रे तू चंदा में चांदनी सा नी रे स नी ध प म ग चांदनी दादरा ताल का प्रयोग है। तो गले का जो लचीलापन है, जो अलग अलग आप कहेंगे कि मुर्की युक्त तरीके से जो शब्द कहें, बोल तान जिसको हम कहते हैं टेक्निकली, उसका अभ्यास इस मुर्की युक्त गाने से होता है। सर डिफ़िकल्ट सॉन्ग्स ऑफ लता जी में मैंने इस गाने का जिक्र किया है, ज़रूर आप इस लेक्चर को चेक कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सेकेंड सॉन्ग की तरफ अब मैं आपको लेके चलता हूँ। सेकेंड नंबर पे जो मैं रचना रखूँगा स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ लता जी में, वो है रचना सी रामचंद्र जी की। जी हाँ दोस्तों, चार रागों पर आधारित भीमपलासी, काफ़ी, किरवानी और तिलंग का प्रयोग करके ये अमर रचना बनाई सी रामचंद्र जी ने। पानी सारे कर सपा रे गरे 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 सानी पा ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया सपा धामा प ग म प नी ध प ध प म प म प ध स नी सा नी रे स नी प म प ग ध प ये जिंदगी उसी की है। अब इसमें जो
एंड का अगर आप क्लाइमेक्स देखेंगे उसमें अलविदा बड़े सुंदर तरीके से कहा है। और लता जी जब प्रत्यक्ष रूप से हमें छोड़ के गई थी 6 फरवरी 2022 में, तो ये गाना सबसे ज़्यादा प्ले हुआ था। हैविंग रिगार्ड टू नाम गुम जाएगा, रहे ना रहे हम के साथ साथ ये गाना भी बहुत प्ले हुआ था। अलविदा 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 अलविदा। तो चार अलविदा देख रहे हैं। सा ध प नी ध नि ध सा रे ग रे गा रे गा। तो सल्यूट करते हैं हम सी रामचंद्र साहब को, और सहयोग रोशन साहब का भी था, इस पे भी किस्सा है। कौन सा किस्सा कमेंट कीजिएगा। हालांकि इस सॉन्ग पे मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, सीख सकते हैं आप। पहले गाने की तरफ अब मैं फाइनली आपको लेके चल रहा हूँ। शंकर जयकिशन जी की रचना है, जय जयवंती पर आधारित जबरदस्त बंदिश, सीमा मूवी, मनमोहना, बड़े झूठे। अब चाहे मुर्गी हो चाहे ताने हो, एक ताल की चाहे बंदिश की बात कीजिए, हर एक चीज का आपका अभ्यास इस बंदिश में होता है। अब देखिए, हार के हार नहीं माने, मन मोहना मोहना। तो मन मोहना ऋषभ पर सम दिखाया जो कि वादी सुर है। ये ग्रेटनेस शंकर जयकिशन जी की। और ये प्रोग्रेशन देखिए, मन मोहना नहीं। और बागेश्वरी अंग की जय जयवंती, बने थे खिलाड़ी पिया बने थे खिलाड़ी पिया निकले अनाड़ी, और मुंह से बेमानी करी मुझे से रूठे, और बीच में ताने मन मोहना। और जो तिहाइयाँ हैं वो इस बंदिश को बड़ा ग्रेट बनाती हैं। तो ये मैं पहले नंबर पे रखूँगा। तो ये हमारे 10 स्पेशल सॉन्ग्स थे जो कि आपको अलग अलग सीख देते हैं। आज लता जी के जन्मदिन पर मैंने सोचा कि क्यों ना जो गीतों से मुझे फ़ायदा हुआ है रियाज करके, उसको परफॉर्म करके और सिखा के, क्योंकि टीचिंग लाइन में भी हूँ, परफॉर्मेंस समय समय पर करता रहता हूँ, तो क्यों ना दोनों का एक एक्सपीरियंस मैंने सोचा एक वीडियो में आपको दूँ, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले राग सीखने की और ऐसे गीतों का अभ्यास करने की, एक आपके जिज्ञासा उत्पन्न हो, और राग का तो ज्ञान समय समय पर आपको मिलता ही रहता है। सो थैंक यू सो मच, लॉन्ग लिव आर नाइटेंगल ऑफ बॉलीवुड लता मंगेशकर जी। इस प्रकार के गीत आप हमारे रेट्रो सॉन्ग्स बॉलीवुड सॉन्ग्स में सीख सकते हैं और संगीत को जी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आज ही रजिस्टर कराइए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ओम शांति।